लैंड इंच बाय इंच कि इंच इंच करते हुए इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लश्मेश होंगे। वेलकम टू सुपारी रेक्स। आज हम आपके साथ एक आर्मी वाला वीडियो देखने के, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें, काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि आप लोग फिलोसफी वाला वीडियो नहीं देख रहे। जो हमारे एक रेगुलर फॉलोअर है वो तो हमें यहाँ तक कह रहे थे कि आप लोग, हमें पता है आप लोग अपनी जबान के पक्के नहीं है। सही बात, आपकी बात ठीक है, आपने सही कहा है। एक दो बार हमने ऐसी मिस्टेक की और हमें उस मिस्टेक पे नदामत है, मतलब हमें वो नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा से वो मिस्टेक हम ना करें। लेकिन आज हम वो वीडियो बनाने लगे थे तो वो हमने ओशो वाले वीडियो में सारी बात बताई थी, लेकिन ओशो वाला हमने वीडियो एक अपलोड किया है चिल्ड्रन और मैरिज वाला, वो ब्लॉक हो गया। हमने वो अप्लाई किया है अभी, मतलब डिस्प्यूट आगे पेश किया है इलेक्शन वीडियो के हवाले से। देखते हैं उसके आगे क्या मामला होते हैं, अगर जैसे वो पब्लिक होगा, सही परमिशन मिलती है वहाँ से वो पब्लिक हो जाएगा। तो हमने कहा फिर इस वीडियो में आपको दोबारा बता दें कि हमने वीडियो आज बना रहे थे लेकिन फिलोसफी वाला जो है, लेकिन मसला बीच में यह है कि जो थोड़ा सा स्ट्राइक का इशू हमें फेस करना पड़ा, स्ट्राइक मारते हैं। हाँ, तो हमने कहा जरा कंफर्म कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम ये चीज़ें आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत माजरत और कोशिश करेंगे आइंदा से इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है आईपीएस ऑफिसर रिलीजेस शॉकिंग रिपोर्ट ऑन इंडियन आर्मी गौरव कुशाल। देखेंगे आपके साथ मिलकर, अगर आपने अभी तक ईगल रेक्स और सुपारी रेक को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो पर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में जो कि चाइना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रिगार्डिंग है। आज के सेशन का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा डिराइव किया गया है एक न्यूज से, और वो न्यूज का कंटेंट बेस्ड है एक रिपोर्ट के ऊपर जो कि एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा प्रिपेयर की गई है। ये रिपोर्ट कहां से आई है पहले आप ये जान लीजिए। अभी लास्ट वीक आपने सुना होगा कि एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुई थी 20th to 22nd January को। तो इसमें सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं स्टेट्स के, सभी स्टेट्स के, उनका इंटरेक्शन होता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ, और अलग अलग मुद्दों पर बात की जाती है। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग फील्ड ऑफिसर्स की तरफ से रिसर्च पेपर रिपोर्ट्स भी पेश किए जाते हैं। तो इसी तरह की एक रिपोर्ट पेश की गई श्रीमती पी डी नित्या की तरफ से, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और प्रेजेंटली एसएसपी ले हैं। यहाँ आप देख रहे हो एसपी लिखा हुआ है न्यूज के अंदर, बट आप वेबसाइट पर जाओगे तो वो एसएसपी हैं ले के। तो ये आर्टिकल आप देख रहे हो 25th of January का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, हेडलाइन में लिखा हुआ है इन ईस्टर्न लद्दाख इंडिया हैज लॉस्ट प्रेजेंस इन 26 out of 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स रिपोर्ट। अब सबसे पहले तो आपको पेट्रोलिंग पॉइंट्स पता होना चाहिए क्या होता है। देखो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच, वहां कोई ऐसे फेंसिंग तो है नहीं है जिसके हिसाब से आप ये बोल दो कि हाँ फेंसिंग के इधर इंडिया है, फेंसिंग के उधर चाइना है। एक तरह से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि यहां तक एरिया हमारा है, यहां के बाद एरिया आपका है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स का मतलब है फेंसिंग नहीं है, बट आपकी जो आर्मी यूनिट्स हैं वो पीरियोडिकली जाके वहां पे पेट्रोल करती रहती हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाती रहती हैं। कोई फिक्स पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम के बाद ही आप अपनी प्रेजेंस दिखाओगे। इस तरह से आर्मी की जो टुकड़ी है वो जाएगी जहां तक हमारा एरिया होगा वहां तक अपनी प्रेजेंस दिखा देगी, वो एक पॉइंट बन गया पेट्रोलिंग पॉइंट। कई केसेस में हो सकता है किसी नदी का किनारा हो, कोई नाला हो, वहां पर कोई एक ज्योग्राफिकल ऐसा पॉइंट हो जो आप डीमार्केट कर सकते हो, ठीक है ये एंड पॉइंट है आपको दिख रहा है। कई केसेस में हो सकता है जैसे ये पूरा एक खाली एरिया, अब यहाँ पे मान लो कोई पेट्रोलिंग पॉइंट अगर हो तो यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर दे दिया जाता है, उसको कुछ मार्किंग कर दी जाती है कि ठीक है यहां तक हम पेट्रोल करेंगे। सो इस एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट के आसपास कोई फिक्स्ड आर्मी के यूनिट्स होंगे, बट टाइम टू टाइम आर्मी की टुकड़ियां जो है आके पेट्रोल करती चली जाएंगी। हमारे जब जवान वहां जाते हैं कोई ना कोई निशानी छोड़कर चले जाते हैं, कोई टीन बॉक्सेस छोड़ आएंगे कि भाई हम यहां पर विजिट किए थे। क्योंकि कई बार क्या होता है आपने सुना है जब आपस में एक दूसरे के एरिया में अगर फौज एंटर कर जाती है तो बाद में टॉक्स होती हैं, वहां पर नेगोशिएशन होती है, वहां पे बैठ के डिस्कस किया जाता है कि आप हमारे एरिया में आए या नहीं आए, या ये एरिया आपका है या नहीं है, आपने पिछले इतने टाइम में विजिट किया या नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से एविडेंस होता है कि ठीक है हम आए थे, हम इतना टाइम पहले यहां अपनी प्रेजेंस दिखा के गए हैं। सो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट के साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें लिखा हुआ है कि काराकोरम पास से लेकर चुमूर तक टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जिसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अंदर या तो रिस्ट्रिक्टिव पेट्रोलिंग हो गई है हमारी तरफ से या बिल्कुल भी पेट्रोलिंग नहीं है। इस वजह से जो चाइना है वो कई बार हमें फोर्स करता है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि
ये एरिया जो है या तो बफर जोन है या उनका एरिया है, क्योंकि हमने काफी टाइम से यहां पर प्रेजेंस नहीं दिखाई है। दे हैव नॉट सीन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन सिंस लॉन्ग टाइम। द चाइनीज वर प्रेजेंट इन दीज एरिया। सो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया है। सो इस एरिया को मान लो जिसमें हम नहीं गए हैं कुछ टाइम से, इसको कहते हैं ये कि बफर जोन बना दो। बफर जोन का मतलब कि ये ना आपका एरिया या ना हमारा एरिया, ना आप इसमें पेट्रोलिंग करोगे ना हम इसमें पेट्रोलिंग करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद ये बफर जोन में भी एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं चाइनीज आर्मी वाले लोग, और उसके बाद जो आगे का एरिया उसको बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो करते इस करते वो इनकी आगे आ स्ट्रेटेजी गए। को क्या कहा जा रहा है? ग्रैब लैंड इंच बाय इंच, कि इंच इंच करते हुए इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करो, जिसको नाम दिया जाता है सलामी स्लाइसिंग। ये आपके सलामी एग्जाम पॉइंट ऑफ स्लाइस। व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं रिपोर्ट के अंदर। अगला पॉइंट अब क्या है? अब इसमें लिखा हुआ है कि जब डी एस्केलेशन टॉक्स होती हैं, कि कई बार डिस्प्यूट हो जाता है कि आप हमारे एरिया में आ गए हो या हम आपके एरिया में चले गए हैं, तो उसके बाद डी एस्केलेशन टॉक्स होते हैं कि बैठ के बात करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं कि क्या इशू है एग्जैक्टली, कौन किसके एरिया में आया है। तो ऐसे केस में अब इन्होंने अपनी जो पीक्स हैं चाइना वालों ने उस पर कुछ बड़े हाई टेक्नोलॉजी कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं, सो दैट ये एविडेंस क्या रख बात। सकें कि पिछले 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में इंडिया की तरफ से कोई पेट्रोलिंग करने गया था या नहीं गया था, क्या इंडिया की तरफ से ताकि कोई स्लाइसिंग विलेजर्स कर सके। की वहां प्रेजेंस थी या नहीं थी। सो इनके पास अब एक एविडेंस होता है। ये कई बार बोल देते हैं कि देखो इतने टाइम में हमारे कैमरा में तो कोई रिकॉर्डिंग आई नहीं, या कोई डिस्प्यूटेड अगर एरिया हो जहां पे ये कहते हो ये हमारा एरिया, आप इसमें हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकते, अगर वहां कोई एंटर करता है तो उस इश्यू को रेज करते हैं। सो ये भी एक चीज जो है रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी दे ऑब्जेक्ट टू आर मूवमेंट इवन इन द बफर जोन। जो बफर जोन है उसमें भी हमारी मूवमेंट को वो ऑब्जेक्ट करते हैं, क्लेमिंग कि ये उनका अपना ऑपरेशन का एरिया है, और हमें बोलते हैं कि आप और पीछे चले जाओ। तो इस तरह से बफर जो जोन है वो भी खिसकता चला जा रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, डिफिकल्ट टेरेन एंड रिमोटनेस ऑफ द एरिया, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी हाइट पे वो एरिया है, एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है वो, तो वहां पर कोई बिल्कुल एलएसी के पास कोई लोग भी नहीं रहते हैं, विलेजेस भी थोड़े हटके ही हैं। तो ऐसे केस में रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इट अफेक्ट्स द मोराल एंड मोटिवेशन ऑफ जवान्स एंड ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड, विच ओनली रिमाइंड्स देम टू स्टार्ट अ रिवर्स काउंटडाउन, कि वो उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है कब यहां पर खत्म हो और हम दूसरी जगह पर जाएं, प्लेन एरिया में जाएं या दूसरी जगह पर जाएं, क्योंकि आपको पता है परमानेंटली पोस्टिंग नहीं रहती है यूनिट्स की, पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। पहले यूनिट आएंगे उनके एक पर्टिकुलर टाइम तक पोस्टिंग रहेगी, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस तरह से लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आपको कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट भी लगेगा, मैं भी ये वाला एक पैराग्राफ पढ़ के काफी ज्यादा शॉक्ड था, थोड़ा मुझे भी अजीब लगा ये पढ़ के। इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन दे डोंट सी द यूटिलिटी टू डिफेंड बैरन एकर्स ऑफ लैंड व्हेन नो पॉपुलेशन एंड नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट, देयरफॉर द ओनस इज ऑन अस टू कीप देयर मोटिवेशन एंड मोरल हाई। आगे इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद वन सीनियर ऑफिसर, कि एक सीनियर ऑफिसर से इंटरेक्ट किया गया तो उनका ये एक अपना ओपिनियन था कि इफ बाय रिट्रीटिंग 400 मीटर्स बैक, कि अगर हम 400 मीटर पीछे चले जाएं और हम पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ शांति बना सकें अगले 4 सालों के लिए, तो वो वर्थ है। बट आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ओपिनियन हमारी आर्मी का ओपिनियन है। एक किसी ऑफिसर का ओपिनियन हमारी आर्मी का ओपिनियन नहीं हो सकता, हमारी गवर्नमेंट का ओपिनियन सही नहीं हो बात। सकता। इनडीड मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मेरा इंटरेक्शन हुआ था एक सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ, वो भी अपनी पोस्टिंग में किसी टाइम पे इंडिया चाइना बॉर्डर में पोस्टेड थे, तो उन्होंने बताया कि वहां पर कितने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, बट स्टिल जवानों का मोराल हाई रहता है, अंदर जो अच्छा। जज्बा होता है कि नहीं मुझे तो अपनी जो कंट्री है उसको पूरा डिफेंड करना है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो डिफेंड करते हैं, और उनका अपना एक पर्सनल उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनके उस एज में थोड़े बाल झड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरा सिर है, अब ये मेरे लिए एक बंजर भूमि हो गई है, अगर हमारा जो सर है वो बंजर हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे वो किसी काम का नहीं है तो हम वो किसी को दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सर के बिना हम एग्जिस्टेंस अपनी नहीं इमेजिन कर सकते। इसी तरह से हमारे देश का जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का एरिया है वो हमारे देश का एक सर है, तो हम पूरी जी जान लगाएंगे चाहे एक टुकड़ा बंजर है या नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए। सो
हम कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते ये स्टेटमेंट, अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा पैराग्राफ है, बट क्योंकि न्यूज में रिपोर्ट में मैंशन है इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना ये जरूरी था। अब उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। द इंडियन आर्मी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इज प्लेइंग अ प्ले सेफ स्ट्रेटेजी। उन्होंने कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं कि जो ये चरवाहे हैं अपनी भेड़ों बकरियों को वहां पर चराने के लिए ना लेके जाएं जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया हो, जहां पर चाइना कहता है कि नहीं हमारा एरिया, इंडिया कहता है हमारा एरिया, तो ये चाहते हैं कि उस एरिया के अंदर हमारे चरवाहे चराने ना लेके जाएं, क्योंकि अब उन्होंने कैमरास फिट कर दिए हैं, जैसे ही वो कैमरे के अंदर चीज आएगी तो वो इशू रेज करेंगे। सो इसी वजह से हमारे आर्मी यूनिट्स की तरफ से एज पर द रिपोर्ट कुछ चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं टू चेक द मूवमेंट, कि वहां कोई सिविलियन या कोई और इंसान ना जाए जिसके कारण कोई लेटर ऑन इशू हो। अब आगे इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि जो रिसेंटली डील ऑफ डिसएंगेजमेंट हुई थी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 16 में, उसकी वजह से लॉस ऑफ पेस्चर लैंड्स हुआ, कि ऐसी कुछ जमीनें जहां पर चरवाहे अपनी भेड़े बकरियों को चराने लेके जाते थे वो हमारे हाथ से गई हैं, उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, उनकी जीविका को नुकसान हुआ है, चेंज इन लाइफस्टाइल पैटर्न हुआ है, जो बॉर्डर विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं उसकी वजह से उनका माइग्रेशन हुआ है, जो श्रिंकिंग ग्रेजिंग एरियाज हैं उसकी वजह से कम्युनिटीज के अंदर फाइटिंग भी हुई है, और इसी वजह से सिविल मिलिट्री जो लाइजन है आपस में सिविलियंस का और मिलिट्री वालों का वहां जो तालमेल है उसको भी उस चीज ने अफेक्ट किया है कहीं ना कहीं। अब आगे इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिए गए हैं जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं, बिकॉज कल ये चीजें आपकी आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में डेफिनेटली काम आएंगी। क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा है जो चाइना की इंच बाय इंच कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी है उसको हमें टैकल करना चाहिए विद आर नो फॉल बैक स्ट्रेटेजी, कि हमें बिल्कुल भी एक इंच भी पीछे नहीं हटना है। इंडीड जो ऐसे एरियाज हैं जो कि चाइना ने बफर जोन बना दिए हैं और पिछले कुछ सालों से अब चाइना वहां पे पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर वो हमारे एरियाज थे तो हमें उस पर भी अपना क्लेम रखना चाहिए जब भी कोई बात होती है या जब भी कोई इश्यूज रेज करने की अपॉर्चुनिटी आती है। उसके अलावा यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि जो अनफेंस्ड बॉर्डर है जहां पर फेंसिंग नहीं है उसको हम इस चीज से तो कंपनसेट नहीं कर सकते कि हम वहां पर अपने जितने मर्जी जवान बढ़ा दें, बट यस हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लाइक रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म अट्रैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप एंड स्कीम्स लाइक मॉडल बॉर्डर विलेजेस, कि उस एरिया के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाएं, उसके अलावा बिल्कुल उस एरिया के अंदर गांव भी बसाएं, मॉडल विलेजेस सेटअप करें, सो दैट उस एरिया के अंदर हमारी प्रेजेंस दिखे, ये ना हो कि कुछ कुछ टाइम के बाद हमारे जो आर्मी के यूनिट्स हैं उनको जाके पेट्रोलिंग करनी पड़े। इंडीड लोगों का आना जाना वहां पर नेचुरल वे से चलता रहे और उसके अलावा वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट मिले और वो चीज कहीं ना कहीं हमारे जो आर्मी का मोटिवेशन है उसको भी एक बहुत जबरदस्त बूस्ट देगी, और जो लोकल पॉपुलेशन है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स उठाए जाए। और लास्ट में एक चीज, Rather than thinking in offensive and defensive terms, LAC needs to be dealt with a positive approach, giving importance to civilians' needs as well as military requirement. मतलब दोनों की जो requirement है उनको ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों ये तो वो facts थे जो कि इस article में mentioned है या आप कह सकते हो इस report में mentioned है। अब एक important development और हुई है as per News 18 website, वहां पर ये एक article है 26th of January का, इसमें लिखा हुआ है कि जो डीजीपी मीट 2022, ये लिखा 2022 है बट ये हुई अभी जनवरी 2023 में थी, बट इसका जो टाइटल है वो 2022 का ही है। तो जो ये कंपेंडियम ऑफ आर्टिकल्स था, मतलब कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स था इस मीट के रिगार्डिंग, वो हटा दिया गया है आफ्टर एसपीज राइट अप ऑन इंडिया लूजिंग एरिया इन एलएसी। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ये कंपेंडियम ऑफ आर्टिकल्स को क्यों हटाया गया है, क्या कुछ एरर था रिपोर्ट के अंदर या रिपोर्ट अपने आप में कंट्रोवर्शियल है जैसा कि हमने कुछ एक फैक्ट्स इसमें डिस्कस किए हैं उस वजह से, बट हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं अनलेस एंड अंटिल आर्मी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। बट अगर हम पास्ट में इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ की बात करें तो आप ये एक न्यूज़ देख सकते हो द हिंदू की 21st of September 2022 की, अब इसमें भी लिखा हुआ है ग्रेजिंग लैंड्स टर्निंग इनटू बफर ज़ोन्स सेज चीफ ऑफ विलेज बॉर्डरिंग
LAC. सो कहीं ना कहीं सिमिलर फैक्ट्स आपको इस न्यूज के अंदर भी मिलेंगे, आप जाके इस न्यूज आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो. सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है, लाइक पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में आपको पता चला, LAC के बारे में कुछ की फैक्ट्स पता चले, किस टाइप के चैलेंजेस हैं, किस टाइप के सिचुएशन और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में हमारे जवान वहां पर रहते हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं. हमें अपने जवानों के ऊपर नाज होना चाहिए कि कितने एक्सट्रीम चैलेंजेस के बावजूद वो वहां पर डटे हुए हैं और हर वक्त हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं. सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ. टिल देन, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी. जय हिंद. देखो, वीडियो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं. काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफी कुछ इसमें जानने को भी मिला. बिल्कुल, एरिया जो कराकरम पास से लेके चुमन तक है, चुमन तक जैसे भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, चुमन, वहां तक जो एरिया है वहां का मेन मसला है बफर जोन का. लेकिन चाइना का ये जो इन्होंने एक टर्म यूज किया है सलामी स्लाइसिंग, के इंच बाय इंच जो है वो ग्रैब करते जाओ एरिया, ये काम खराब है. ये क्या तरीका है? हाँ, इंच बाय इंच आना आगे, पहले उसको बफर जोन कराना है, फिर उसको घेर मतलब ग्रैब कर लेना है, फिर बफर जोन थोड़ा सा आगे होगा. हाँ, थोड़ा सा ये चाइना का बड़ा मसला है. ये तवांग में भी यही हुआ है, जो गलवान में भी यही हुआ था. और ये अब जो इंडिया के बॉर्डर्स के साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो देख कैमरेज लगाए हैं. इसके अलावा बड़े हैवी क्वालिटी के, इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो कैमरे में नोट करते हैं, फौरन ही वो इशू क्रिएट कर देते हैं. तो ये चाइना ना बड़ी डेवलपमेंट पिछले दो तीन साल से ना बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है. 65 पेट्रोलिंग पॉइंट से लेके टोटल है इस एरिया में, कराकरम पास से लेके चुमन तक. तो उसमें से 26 इंडियन आई थिंक खोए हैं, जो मतलब जो इंडिया के पास नहीं है अभी. पेट्रोलिंग पॉइंट आपने समझ आई, आपने वीडियो देखा, पेट्रोलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे एक बार चक्कर लगा के बंदा वापस आ जाता है. ऐसा नहीं है कि वो कोई चेक पोस्ट है या बंदा खाली जगह है, एक जगह निशानी लगा के बंदा वापस आ गया. फिर कितनी देर के बाद जा रहा है वो तो इंडियन आर्मी को बेहतर पता है, और जो भी उनकी एक टर्म्स है कि हमने इतनी देर के बाद वहाँ जाकर विजिट करना है. गैर तारों में बॉर्डर पहली बार मैंने देखा है. हाँ, मतलब इतना बड़ा बॉर्डर. हाँ, लेकिन तारे, किसी किसी जगह तारे भी होती है, लेकिन इस तरह का बॉर्डर जहाँ पे तारे भी नहीं है, बस ये है कि भाई ये एरिया हमारा है, यहाँ तक वहां तक बस. हाँ, लेकिन इस ये मसला बड़ा जेन्युइन मसला है और बड़ा कठिन मसला है. कि वहाँ बार बार आगे आते हैं, ये फिर पीछे जाते हैं. ये तो तंगी करता रहेगा चाइना स्तर, बार बार इतना लंबा एरिया है बॉर्डर का. किसी किसी जगह पे जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं, कभी तवांग में हो जाता है, कभी गालवान में हो जाता है, कभी जिस ये वाला इसका हालू भाई ने बताया कि इस यहाँ आबादी बसानी चाहिए, गांव बसाने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ. या तो एक तरीका ये, या दूसरा तरीका ये, फेंसिंग लगाएं. कौन सा तरीका बेहतर है मेरे ख्याल से? आबादी वाला ठीक है. फेंसिंग वाला तो अच्छा खासा खर्चा है, इतनी लंबी पे आबादी वाला ठीक है, तो वहाँ लोग भी बस जाएंगे. उसके अलावा आर्मी का काम भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब लोग बसेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग भी नजर रखेंगे सारा इस तरह का मामला. मतलब वहाँ फिर एक्टिविटी इतनी वो आसानी से कर नहीं पाता ना बंदा. वहाँ डेवलपमेंट करना, लोगों को बसाना भी तो मुश्किल है, क्योंकि वो एरिया बड़ा कठिन. सही बात है, हाइट पे, एल्टीट्यूड पे काफी ज्यादा. बिल्कुल ऐसे. तो आपका क्या ओपिनियन है, आपने इस हवाले से बताना है कि क्या फेंसिंग वाला मामला सही है या ये वाला? क्योंकि फेंसिंग वाला बहुत कॉस्टली है, उस तरह की जगह पे फेंसिंग करना, यहाँ बैठ ही कहना तो आसान है, लेकिन वहाँ लेकिन चाइना बाद नहीं है. चाइना शुरू से ये पंगा ले रहा है, कभी आगे आ जाता है, कभी पीछे. तो हर दो तीन महीने बाद मसला आ जाता है. हाँ, इसी वजह से आता है, वो अंदर घुस जाता है, कहीं ना कहीं छेड़ता रहता है पूरे बॉर्डर पे चाइना जो. लेकिन इस बार कुट खानी पड़ी उनको. हाँ, वो डंडों से जो वो तवांग वाले पंजाबियों ने तो फिर ठोका उनको, गालियां देकर सारा वापस. ये एक बार नहीं हुआ, कई बार उनके साथ हुआ ऐसा. हाँ, कई बार आते हैं. गलवान में भी हुआ था. हाँ, जब उन्होंने बाद में अपनी अमवात मानी थी. हाँ, गलवान में बड़ा पंगा हो गया था, हैवी वाला. सही बात, प्रॉपर एक जो था ना झड़प जिसको बोलते हैं आपस में, कुसन और ये हाथापाई ये वो सारी. इधर भी तो डंडे चले थे ना, हैवी डंडे. हाँ, यहाँ तो टाइम से चले गए थे, वरना गलवान रिपीट होना दोबारा से. तो सीखने को भी इसमें काफी कुछ मिला, जैसे उन्होंने स्लैम स्लैमिंग का बताया, सलामी स्लैमिंग बाय इंच. हाँ, स्लाइसिंग का बताया, तो इंच बाय इंच आगे आने वाला तरीका. तो इंडिया की साइड से, इंडिया मुझे नहीं लगता ऐसा करता. नहीं यार, मैं कहता हूं कि अगर चाइना वहां कैमरेज लगा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं लगा? हाँ, वही ना, मतलब इंडिया ये तो बात कर रहे हैं वो, कि इंडिया को कुछ एक्शन लेने चाहिए. उन्होंने मीटिंग किया ना, मीटिंग में जाहिर कुछ उन्होंने निकाला होगा, खस किया होगा. सारी बात है, कैमरे से ये फायदा होता है कि आपको ना पेट्रोलिंग करनी नहीं पड़ती, आप देख लेते हो कि हमारे एरिया में कौन कौन आया है या फिर क्या क्या गतिविधि हो रही है. चाइना का प्लान जो ये है कि हमने ग्रैब करना, तो उनको तो लगाने पड़ने ना हैवी वेलोस. ये तो है, उनके ना पाक इरादे टाइप लोग हैं वो, अजीब से किस्म के. तो बिल्कुल ऐसे ये है सारा. तो अच्छा लगा, काफी कुछ जानने को मिला. आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में, आपने लास्ट में बताना है. इस वाले वीडियो में फिर इतना ही. अगर आपने अभी तक सुपारी लेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा भैया, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.